सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए और शानदार व्लॉग में। मेरा नाम है हरी सिंह और आप देख रहे हैं हरी के व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं राजस्थान राज्य के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में खतरनाक जानवरों जैसे बाघ, चीतल, तेंदुआ, जेब्रा, शेर और भारत में पाए जाने वाले सभी तरह के खतरनाक व मांसाहारी जीवों के बीच स्थित देश का सबसे बड़ा पांडुपोल हनुमान मंदिर। दोस्तों यहाँ के इतिहास में मान्यता है कि पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन करके कोई भी श्रद्धालु अगर कोई मुराद मांगता है तो वह अवश्य पूरी होती है। और दोस्तों हम पांडुपोल हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे सभी दोस्तों को स्वस्थ व मस्त रखे, आपके माता पिता को, आपके भाई बहनों को, आपके बाल बच्चों को, पूरी फैमिली को स्वस्थ व मस्त रखे और आप सभी को लंबी उम्र दे। विश्वास रखिए दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं से पांडुपोल हनुमान जी से एक बार हाथ जोड़कर विनती कीजिए, अपनी कोई भी मुराद मांगिए, हम गारंटी लेते हैं आपकी मुराद अवश्य पूरी होगी। अगर दोस्तों आप सबूत देखना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं और वहां पर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आप देख सकते हैं कि आपके हरी भाई की मुराद 24 घंटे से भी पहले हनुमान जी ने पूरी की। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, आपकी मुराद अवश्य पूरी होगी। और आपकी मुराद पूरी होते ही एक कमेंट आप अपने हरी भाई को ज़रूर कीजिए और अपने यार दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देने का मन करता है। दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहिए, पांडुपोल हनुमान जी आपकी मुराद अवश्य पूरी करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सब कुछ हकीकत दिखाते और बताते हैं। श्री पांडुपोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तो चलिए दोस्तों इधर से अपन प्रसाद ले लेते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए और फिर आगे आपको दिखाते हैं क्या है। बढ़िया नारियल ले। और ले 20 का दीजिए। एक ले लो। ये देखिए दोस्तों ले ली है हमने, इसमें 20 का। तो देखिए दोस्तों ये हमने ले ली है और अब चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए दोस्तों हमने प्रसाद चढ़ा दिया यहाँ पे और अब हम बाहर चलते हैं। दिखाते हैं भैया ये हनुमान जी का मंदिर है। श्री पांडुपोल हनुमान जी महाराज की जय हो। चलिए दोस्तों हमें महाराज की परिक्रमा लगा लेते हैं, प्रसाद हमने चढ़ा दिया है। आए हुए सभी भक्तों का आशीर्वाद आ जाओ।
ये देखिए दोस्तों, ये शिव जी महाराज का मंदिर है यहाँ पे। सभी यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। देखिए दोस्तों, ये सभी लोग यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। यहाँ बहनों भाइयों, सभी यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मंदिर परिसर में भीड़ न लगावें। ये देखिए दोस्तों, ये सभी लोग अपनी मन्नत का धागा बांध रहे हैं और अपनी मनोकामना इच्छा मन मुराद मांग रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों, आप भी हाथ जोड़ के पांडुपोल हनुमान जी से अपनी मुराद मांग लीजिए। पांडुपोल हनुमान जी आपकी मुराद जरूर अवश्य पूरी करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वालों की बहुत ही चौकसी है और अपनी ड्यूटी पुलिस वाले अच्छे से निभा रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? भंडारा चल रहा है। ये बाबा जी का ही भंडारा है? अच्छा, ये हनुमान जी का ही भंडारा है। अच्छा, तो मतलब चलता रहता है, ये रुकता नहीं है? शनिवार। अच्छा अच्छा, ये आपका नाम क्या है? हीरा लाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? टहला। अच्छा, टहला। कहाँ पड़ता है ये टहला? अच्छा अच्छा, चलो बहुत। और ये सब श्रद्धालु प्रसाद लेने वाले हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, ये भंडारा चालू रहता है यानी मंगलवार और शनिवार को, और भक्त लोग यहाँ प्रसादी लेते हैं। आप कहाँ से आए हो जी सर? अजीतगढ़ से। सीकर जिले में? हाँ, अजीतगढ़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो घूमने के लिए आए हो आप? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। नरेश हलवाई यहाँ पांडुपोल के काम करता हूँ। अच्छा, यहीं पे काम करते हो? अच्छा, हमेशा यही काम करा पर मेरा घर चौवा सौ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, ये देसी घी के लड्डू है। ये देखिए देसी घी के लड्डू, और ये पूरी है देसी घी। पूरी भी देसी घी में? अच्छा। और कभी ये बाटी भी बनती है? ये देखिए, ये बाटी भी है, दाल है, ये दाल है। और देखिए दोस्तों, इसमें भी ये, इसमें सब्जी। बाबा जी की बहुत व्यवस्था है। तो चलिए दोस्तों, बाहर चलते हैं, इधर आपको दिखा दिया है मैंने। ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं सभी लोग। महाराज, आ सकता हूँ क्या थोड़ी देर? ये कार्यालय, या मंदिर का कार्यालय? मेला कमेटी मंदिर श्री हनुमान जी महाराज पांडुपोल का कार्यालय। अच्छा जी, अच्छा जी। तो महाराज जी, आप यहीं रहते हैं जी 24 घंटे रात दिन जी? महाराज, नाम क्या है आपका? बाबूलाल शर्मा। अच्छा, तो वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले प्रॉपर टहला का हूँ। अच्छा जी, अच्छा। तो यहाँ महाराज की सेवा में मतलब जी, रहते जी, हैं? जी जी जी। और ये देखिए दोस्तों, मंदिर की सुरक्षा के लिए ये कैमरे लगे हैं जगह जगह।
बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छा लगा। एक रास्ता ही थोड़ा कच्चा है, तो इधर ये चाय बनाते हो आप? हाँ, ये चाय रसोई घर है सब। अच्छा, और भोगन के लिए चाय पानी, या पे यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए फ्री सेवा। फ्री तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, इस मंदिर को किसने और क्यों बनवाया और इस मंदिर का नाम पांडुकोल हनुमान मंदिर क्यों रखा गया? दोस्तों, अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव अपनी भारिया द्रौपदी सहित अरावली पर्वतमालाओं से विराटनगर की ओर जा रहे थे। दोस्तों, पांडु ने इस निर्जन स्थान पर एक दिन का विश्राम किया था। दोस्तों, विश्राम के बाद पांडु ने विराटनगर की ओर प्रस्थान किया। इस मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे चलकर एक विशाल पर्वत होने के कारण पांडुओं को रास्ता नहीं मिल पाया। तब भीम ने अपनी गदा से उस विशाल पर्वत में प्रहार किया और दोस्तों पर्वत का हृदय भेद दिया और पर्वत के हृदय में एक पोल बन गई। दोस्तों, उस पोल से एक निर्जल जलधारा निकली जो कि आज भी एक बड़े झरने के रूप में बह रही है। दोस्तों, भीम को पर्वत में पोल बनाने पर बड़ा अभिमान हुआ। भीम का अभिमान सीमा से आगे न बढ़ सके, इसके लिए दोस्तों प्रभु ने रणबांकुरे वीर बजरंग बली को वृद्ध रूप में पांडु के मार्ग को अवरुद्ध करने को भेजा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर मार्ग में डाल दिया। दोस्तों, भीम अपने घमंड के कारण हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाया। उसने हनुमान जी को अपने मार्ग से हटने को कहा। दोस्तों, हनुमान जी ने कहा, मैं वृद्ध हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पूंछ को सरका सकूं। दोस्तों, भीम ने घमंड से चूर होकर हनुमान जी की पूंछ को दूर फेंकना चाहा, पर दोस्तों हनुमान जी की पूंछ टस से मस भी नहीं हुई। दोस्तों, हनुमान जी ने भीम को अपनी पूंछ के नीचे दबाकर भीम का घमंड चूर चूर कर दिया। तब भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगी, तभी पांडु ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, मंदिर बनवाने के बाद हनुमान जी ने पांडुओं को पोल से जाने की आज्ञा दी, तभी से दोस्तों इस मंदिर का नाम पांडुपोल हनुमान मंदिर पड़ा और दोस्तों तभी से ये प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है। माता जी, कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव से। आप सभी गुड़गांव से आए हो? अच्छा, आपने बोला था भंडारा। अच्छा, बहुत बढ़िया है। बाबा जी, आप भी गुड़गांव से हो? कहाँ जाएगी? अच्छा, अशोक कुमार सैनी। अशोक कुमार सैनी, रहने वाले कहाँ के आप? गुड़गांव के। गुड़गांव, गुड़गांव के। तो ये भंडारा आपने बोला था महाराज का? हाँ जी। आपका कोई काम बोला होगा पहले, हमारा काम हो जाए तो हम भंडारा करेंगे। लड़के के लिए बोला था। अच्छा, तो बढ़िया काम हो गया। क्या बोला था लड़की के लिए? पास होने के लिए। पास होने के लिए? पास हो गई। काय में पास हुई? बारहवीं क्लास में। बारहवीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। तो आपने हैंड पेंट कर भी दिया काम? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे भी हनुमान जी महाराज साथ ही रहेंगे? बाबा साथ है। माता जी, आप भी गुड़गांव से हो? यहीं से हो कि गुड़गांव से हो? हैं? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, बाहर बच्चों की औरतों की जिंदा चल रही है। दोस्तों, भीम की गदा के प्रहार से बनी पोल का आकर्षक व मनोरम दृश्य हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों, जो नए दोस्त यह वीडियो देख रहे हैं, वो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देने का मन करता है। तो फिर चलिए दोस्तों, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।